छोटे पर्दे के साथ साथ बड़े पर्दे पर अपना जलवा दिखाने वाली राखी सावंत अपने बेबाक पर भोलेपन और विवादित बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। इसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया जो लोगों के दिलों को छू गया। ग्रेट खली के साथ एक कार्यक्रम में लुधियाना पहुंची राखी ने कहा कि देश के हित के लिए वे अपनी जान भी दे सकती हैं। देश को अगर उनकी जरूरत पड़ी तो वे 2000 बम लगाकर पाकिस्तान में कूद जाएंगी। टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स में शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वॉर्म वॉर्म वेलकम। जी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट एक्टर एंड हमारी बहुत जो सोशल मीडिया पे भी काफी फेमस रहती हैं मिस राखी सावंत से। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। जय बोलो सोनियाल, सत श्री अकाल। मैम सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमने सुना है काफी स्ट्रगलिंग लाइफ देखी है, उसके बाद रेसलिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो गया? देखिए जो स्ट्रगल करके आता है वही जानता है कि मेहनत क्या चीज होती है। तो किसका कोई गॉडफादर नहीं है, तो मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मैं मेहनत करके आई हूँ और अब तो मैं रेसलिंग में आ गई हूँ। और आपको फैमिली से फुल सपोर्ट रहा है हमेशा? मेरी माँ खुद आई है इस बार। माँ आई है, माँ डर रही थी, लास्ट टाइम रेबल ने मुझे पटक दिया था तो और माँ बहुत चिंता में थी। इस बार माँ आई है, होटल में रुकी है और माँ ने कहा कि मैं सामने बैठूंगी, मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी को कौन पीटता है, कौन सी रेसलर पीटती है। तो मैंने कहा नहीं माँ, माँ बैठेगी और इस बार मैं रेबल को बहुत पिटूंगी, बहुत पटक पटक के मारूंगी उसकी। उसने मेरी कमर तोड़ी है, मैं उसकी सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। That's so confidence and positivity. बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए और हिम्मत तो दिखानी चाहिए जी। एक चीज मैम हमें बताइए, डरना तो सिखा नहीं मैंने। बिल्कुल, एक चीज मैम हमें बताइए कि हमने सुना है कि आप बहुत ही सोशल वर्क्स करती हैं, बहुत अच्छे इश्यूज में आप इन्वॉल्व होती हैं, फिर क्यों आपका हमेशा कंट्रोवर्सीज में नाम क्यों आता है? कंट्रोवर्सीज में तो सबका नाम आता है, किसका नहीं आता है? जो सीधे साधे हैं उनका भी आ जाता है, मुझे नहीं पता क्यों आता है। मैं तो अपना काम करती रहती हूँ, पीछे जिनको भोंकना है भोंकते रहते हैं जी। बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक टू चल रहा है, उन्होंने पीछे से हमारे जवानों पे वार किया था लेकिन हमारी सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जब उन्होंने पीछे से वार किया था, हमने 3:30 बजे जाके वार किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं देशभक्ति है, देश है, मेरे शरीर पर बहुत सारे बॉम्ब लगाओ और मुझे हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान में छोड़ दो, मैं पूरे पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं सबको ख़त्म कर दूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले देशभक्ति है। मैं आज भी नहीं भूली हूँ, वो मेरे 40 जवान वो नहीं भुला जा सकता। उनके घर तबाह हो गए, उनके घर बर्बाद हो गए और उन्होंने जो शहीद हुए हैं देश के लिए, ये उनका बलिदान मरते दम तक नहीं भुला जा सकता और उनकी लाशें नहीं देख सकते। इतना इतना दुख हुआ है वहाँ पे भी, देश के लिए भी बदला चल रहा है, यहाँ पे मेरा भी बदला चल रहा है। रेबल रेसलर ने लास्ट टाइम जो मुझे रेसलिंग रिंग में पछाड़ा था, पटक दिया था, मैं उसका बदला लेने आई हूँ लुधियाना में। मुझे लगता है मैच पे भी पाबंदी लगनी चाहिए और भारत की फिल्में पाकिस्तान में रिलीज़ भी नहीं होनी चाहिए। टमाटर से लेके पानी से लेके हर चीज़ बंद हो जाना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि बगैर भारत के अनाज के, पानी के, हर चीज़ के, टमाटर के, हर चीज़ के पाकिस्तान कितना ये है। तो अगर हमने सिर्फ पानी बंद कर दिया तो क्या होगा तुम्हारा? तो हमारे जवानों पर, हमारे देश पर नज़र मत डालो वरना हम तुम्हें ऐसा पछाड़ देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे तो तुम याद रखो, छठी का दूध याद रखो। बिल्कुल हमारे कैपेबिलिटी है, हमारे जवानों में, हमारे आर्मी फोर्स में। ये 3:30 बजे किया है, चलो ठीक है, जैसे उन्होंने वार किया वैसे हमने भी पीछे से, मतलब 3:30 बजे का वहाँ पे वार किया, लेकिन हम लोग उतने कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम लोग जाके बाकायदा पाकिस्तान में पूरा उनके घर में घुस कर मार के आ सकते हैं। देखो यही सही समय है, देशभक्ति दिखाओ, एक देश एक हो जाओ और देश को सपोर्ट करो, जवानों को सपोर्ट करो, आर्मी को सपोर्ट करो। असली हीरो तो आर्मी ही है, हम तो है ही नहीं कुछ भी, है ना? फिल्मों में जो है वो तो कोई हीरो ही नहीं है, वो तो सब नकली हीरो है। असली हीरो तो आर्मी ही है, हमारे जवान हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, आप हीरो हीरोइनों को सबको इनोग्रेशन के लिए बुलाते हो, यहाँ के पैसे देकर बुलाते हो, वहाँ पे पैसे देकर हीरो हीरोइनों को बुलाते हो हर बड़े फंक्शनों में। जब से अगर आप असली हिंदुस्तानी हो तो जवानों को बुलाओ, जो जिनकी नौकरियाँ चली गई, किसी का हाथ चला गया, किसी का कुछ पार्ट्स चले गए, उनके फैमिलियों को बुलाओ, उनको पैसे देकर बुलाओ, तब जाके आप असली हिंदुस्तानी हो। सेलिब्रिटीज़ ने क्या किया है, उनको क्यों? ठीक है उनको बुला रहे हो, साथ साथ में इनको भी बुलाया करो। असली हीरो तो ये है। पाकिस्तान को जवाब इतना ही देना चाहूँगी कि मैं अकेली राखी सावंत ही तुम लोग पर काफ़ी हूँ। 1000-2000 बम लगाकर बॉडी में कूद जाऊँगी ना पाकिस्तान में, तुम सब बुम हो जाएगा, बुम। चलो
तो आपने देखा गए थे राखी सावंत जो यहाँ पे स्पेशली लुधियाना में जो रेसलिंग कंपटीशन होने जा रहा है, पहले भी जैसे हमने देखा था कि वो रेबल से हार चुके थे, इस बार फिर वो उनसे फाइट करने के लिए स्पेशल लुधियाना में आ रहे हैं। तो उन्होंने लुधियानवी से अपील भी की है कि उनकी इस फाइट को वो ज़रूर देखने आए। और लास्ट में जाते जाते उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अपना पूरा गुस्सा दिखाया, पूरा गुस्सा शो किया, और उन्होंने यह भी कहा कि उनसे पाकिस्तान से लड़ने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए वो खुद अपनी बॉडी पे बॉम्ब फिट करके पाकिस्तान में जाके उनके ऊपर अटैक जरूर करना चाहेंगे। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।